أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। कहते हैं, कभी कामयाबी को दिमाग और नाकामी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंखों से ना निकले। हम सफर में नहीं जो पूरी जिंदगी आपका साथ निभाए, हम सफर तो वो है जो आपको चंद लम्हों में पूरी जिंदगी दे जाए। दुनिया बदतरीन होती जाएगी बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी से। कभी किसी कीमती चीज को ये सोचकर मत छोड़ना कि नसीब में हो तो मिल जाएगा, क्योंकि नसीब खुद हौसले का महताज होती है। जो अच्छा लगे वो अपनी मोहब्बत से हासिल करो, वही तुम्हारा नसीब बन जाएगा। तीन चीजों को कभी छोटा ना समझना, कर्ज, फर्ज, मर्ज। तीन चीजों को कभी ना ठुकराओ, खलूस, तौबा, मोहब्बत। तीन दोस्त थे, दौलत, इलम और इज्जत। एक मौका पर जमा हुए, बिछड़ने लगे तो उनके दरमियान गुफ्तगु कुछ इस तरह हुई, दौलत मैं जा रही हूँ, अगर मुझसे मिलना चाहो तो अमीरों के महल में आ जाना। इल्म, अगर मुझसे मिलना चाहो तो आलमों की किताबों में आ जाना। इज्जत, खामोश रही, कुछ ना बोली। उससे सवाल किया गया तो उसने जवाब दिया, अफसोस अगर एक बार मैं चली जाऊं तो वापस नहीं आती। हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। बारिश में मैंने देखा कि जिनके पास सिक्के थे वो शौक से बिकते रहे, और जिनके पास नोट थे वो छत तलाश करते रहे। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिस शख्स की खूबियों के एतराफ का आप में हौसला नहीं, इस पर तनकीद का कोई हक आपको नहीं मिल सकता। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया नहीं भूलता। हर किसी को दिल में इतनी जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। बद किरदार दूसरों के किरदार को और बे ईमान दूसरों के ईमान को हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। बर्दाश्त बुजदली नहीं, बल्कि जिंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में कुव्वते बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। बेहतरीन भलाई वो है जो तुम किसी ऐसे शख्स के साथ करो जो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। दुनिया की सारी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। जिंदगी हंसाए तब समझना अच्छे काम का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि अब अच्छे काम करने का वक्त है। जब तू खुदा से मगफरत अता का तालिब है
तो जन्नत लोगों की उम्मीदें तेरी जात से वाबस्ता हैं, तो इन्हें भी महरूमों मायूस न करो। जैसा सलूक तू मखलूक खुदा से करेगा, वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। सबसे बड़ा जाहिल वो शख्स है जो अपनी पूरी जिंदगी में इस बात को ना जान सका कि इसकी दुनिया में आमद का मकसद क्या है। किसी के खलूस और प्यार को इसकी बेवकूफी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इखलाक वो चीज है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, मगर इससे हर चीज को खरीदा जा सकता है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि इससे आज का सुकून भी चला जाता है। खूबसूरत लोग लाजमी नहीं कि अच्छे हों, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। घर के मुकाबले में दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है, और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, और वही छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकती है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो, तो समझ जाओ अल्लाह ने थाम लिया है। जिंदगी में कुछ भी होता है, इसमें इंसान की बेहतरी होती है। इंसान को लगता है कि ये महरूमी है, लेकिन हकीकत में अल्लाह को मालूम होता है कि क्या चीज इंसान के हक में बेहतरीन है। इसलिए कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारें, बस अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। महरूमी नहीं होती, वो हक में बेहतरी होती है। और फिर अल्लाह चाहता है तो बेहतरीन अता कर देता है। अल्लाह कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता। अल्लाह फरमाता है, हो सकता है एक चीज तुम्हें नागवार गुजरे और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है एक चीज तुम्हें पसंद ना हो, हो सकता है एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते।